पोंची बाई, ये कोई ऐसी वैसी काम वाली बाई नहीं है, ये इतनी पोंची हुई है कि तेजाब से भी ज्यादा जानलेवा है। सारा कलेश पूरी स्टोरी में इसी ने डलवाया है, पूरी वीडियो देखना। मेरी ना माँ की तबीयत बहुत खराब है, शायद ना उन्हें कुछ ना हो गया है। आप प्लीज मेरे को आज की छुट्टी दे दोगे? हैं? हाँ हाँ ले लो ले लो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और हाँ, इस महीने का एडवांस पगार भी दे दो, अभी मैं आपके घर आ जाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, घर मत आना, मैं बैंक ट्रांसफर कर दूंगी। थैंक यू मैडम। जाओ टमाटर प्याज काटो, आज तो बिरयानी बनाएंगे। शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग ठीक है। हेलो मैडम, आज ना मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो आज मैं ना आ नहीं पाई। नहीं नहीं, तुम्हें आज तो आना ही पड़ेगा, तुम हर 3 दिन के बाद छुट्टी मांगती रहती हो। बताइए मैडम, पोंची बाई लॉकडाउन में भी काम करती है तो पगार भी तो देती हूँ। मैडम पोंची बाई संभाले घर अकेली। मैम साहब आज तो शनिवार है, शनिवार और रविवार पोंची बाई ना काम नहीं करती। नहीं तुम्हें आज तो आना ही पड़ेगा, इतने सारे काम पड़े हैं हमारे, तुम्हें एडवांस भी तो दिया हुआ है। कोई बात नहीं मैडम, कर देती है पोंची बाई औखे सौखे आपका काम। मम्मी रहने दो, पोंची बाई के पालक पर पोंछा फिर क्या, रहने दो। ये ना मेरे साथ लोग बड़ी चालू होती है, अभी ना मजा चका के आती हूँ मैं। विशु के परिवार ने ले लिया है काम वाली से पंगा, काम वाली पहुंच रही है विशु के घर पे। आप बने रहिए इस वीडियो पे। बोलो गेट। गेट तू आज फिर लेट। मेम साहब पोची बाई ना साइकिल पर आती है, आप ना स्कूटी दिला दो, आई कसम कभी भी लेट नहीं आएगी। कोई बात नहीं, 1-2 घंटे लेट आ जाया कर, इतना तो चलता है। चल काम कर दे पोची बाई, संभाले घर अकेली। चल काम नहीं करना। आगे से ना इसके ताज की ग्रीन टी मत पीना, आपके लिए बना के देती है ना धनुश्री मधुश्री, वही जो 10 रुपए की आती है। हाँ? तो 10 रुपए की चाय। और साहब मैम सबको भी समझाइए ना कि ना पोची बाई को शनिवार और रविवार को मत बुलाया करे, रेस्टिंग भी तो करनी होती है ना। पोची बाई संभाले घर अकेली। बोलो कील। कील तो हफ्ते में छुट्टी लेते 3। मैम सब कोई बात नहीं, मैं शनिवार रविवार को मैं आएगी काम पे, बस ना मेरी पगार बढ़ा दो। लॉकडाउन में काम करनी आती है पोची भाई, ये तो मैं कल से नहीं आएगी। हाँ नहीं तो एडवांस दी हुई है ना, बाकी बाद में सोचेंगे। ठीक है सर।
जाएंगे कल काम पे। ओए माँ। वो साहब वो पड़ोस वाले कह रही थी कि ना मेम साहब भी पहले काम वाली बाई थी, वो तो आपका और इनका ना आपस में मतलब मेरा कुछ स्कोप है क्या? पहुंची भाई का कुछ स्कोप मतलब कोई भाई है आपका? चल पोछे तो ने बहुत काम करने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना बनाने, फिर पोछे भी मारने हैं। पोछे भाई से पंगा लेके चाय पीनी थी ना इनको। ये क्या चीनी की बोरी डाल दी इसमें? अरे साहब पोची बाई का प्यार मिला है तभी चाय इतनी मीठी है। अच्छी तो है चाय। अच्छा पर ज्यादा मीठी होगी चाय। पी लीजिए ना साहब। नहीं। हाय राम, मेरा पति काम वाली बाई की झूठी चाय पी रहे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है इन दोनों में। पोचे बाई को छुट्टी नहीं दी थी ना? पोचे बाई की छुट्टी कर रहे थे ना, अब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अरे ये सुनो जी अरे सुनो सुनो ना। अरे साहब आप गिर कैसे गए? पोछे पर उठाती हूँ मैं आपको। हाय राम, मेरा पति काम वाली बाई के इतना नजदीक कैसे खिल खिल के हंस रहा है? पोच्चे भाई से पंगा ले रहे थे ना तुम सब, अब मेम साहब आप देखना आगे आगे क्या होता है। ये सब देखने से पहले मैं अंधे क्यों नहीं हो गई भगवान? पोच्चे भाई के घर में लफड़ा करेगी तो घर में भी लफड़ा करूंगी। लो मेम साहब अब खाओ। Game over. ये लो मेम साहब रोटी। बहुत भूख लग रही है ना? पर मेम साहब, साहब को तो मिर्ची लग नहीं रही खाने में। हाँ हाँ, आपको मिर्ची क्यों लगेगी? पानी लाके दे जल्दी। यही असली मौका है अपनी ब्रह्मास्त्र चाल चलने का। अब तो गई हैं आप मेम साहब। हाँ पोची। साहब मेरा ना मेम साहब का ना मंगल सूत्र टूट गया, अगर आप जुड़वा दोगे ना तो मेम साहब खुश हो जाएंगी। पोची जुड़वा तो लो, लेकिन बात तो ये है ना, मेरा सारा टाइम ऑफिस में गुजर जाता है, कहाँ से जुड़ाऊँ मैं? मैं जुड़वा दूँ ये मंगल सूत्र? हाँ हाँ ले जाओ, लेकिन संभाल के रखना ठीक है? ठीक है पोची भाई, संभाल के रखेंगे। ये क्या चल रहा है? शक तो मुझे पहले से ही था।
था, मैगजीनों में ये जो रोज छपता ना पढ़ती हूँ मैं भी। साहब का नौकरानी का चक्कर आज तो मैंने देख भी लिया। बोलो सीट सीट। यू चीट यू चीट यू चीटर। अरे मैंने क्या चीट किया? पोची बोल, कुछ नहीं है हमारे में। पोची बोल। ये क्या बोलेगी, मुझे दिख नहीं रहा। अरे बोल ले पोची। मैं क्या बताऊं? अरे डार्लिंग सच में कुछ नहीं है हमारे में, सच में। अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे सब दिखते हैं। टीवी सीरियल्स में ना सब कुछ देखा मैंने। कैसे एक नौकरानी ना सब को पकड़ा के ले जाती है, देख लिया आज मैंने। अरे दिल तो कर रहे मायके चली जाओ। हाँ मायके चली जाती, यहाँ पे एक मिनट में सांस लेना दुब्बर हो रहा है तेरे लिए। अरे डार्लिंग कुछ नहीं है हमारे में। तुम रहना इसी के साथ, मजे करना, तुम्हें तो यही चाहिए ना। अरे कुछ नहीं है डार्लिंग, सॉरी। तुमने यही सिला दी है ना मेरे प्यार। अरे कुछ नहीं है हमारे में सब। अभी डाइवोर्स की पेपर्स भेज के साइन कर देना उससे। डार्लिंग सॉरी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सच में। अरे डार्लिंग कुछ नहीं है सच में। काम वाले से लफड़ा करोगे तो घर में लफड़ा होगा। टाइम पर पगार, टाइम पर छुट्टी, नो चिक चिक। अगर कुछ हुआ तो आपके घर में भी यही सब होगा। अब मैं तो चली अपने घर पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बहुत बड़े वाला शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो थप्पड़ नहीं मारेगा सिर्फ इसे पड़ेगा। तो अगर आप इसकी खैरात चाहते हो तो लाइक और कमेंट कर देना इस वीडियो को। ओके बाय बाय। कम तो भाई मैं बच जाऊं।